बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। ए1 पकवान चैनल की तरफ से आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोटैटो बॉल्स, जिनको हिंदी में पटाटा वड़ा भी कहते हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और टेस्टी बनते हैं और बनाने में बहुत आसान। तो इससे पहले आपने क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है वीडियो देखने से पहले। तो चलिए हम आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इनमें जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी मैं आपको साथ साथ शेयर करूंगी, तो चलिए लेट्स गो। इसके लिए मैंने लिए 1 किलो आलू, इनको पहले मैंने बॉईल कर लिया था। इसके लिए आधा चम्मच फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाला है, और ये कड़ी पत्ता है ये मैंने थोड़ा सा कटिंग करके इसमें ऐड कर दिया, और साथ में राई और कलवंजी हाफ हाफ चम्मच ये भी हम डाल देंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है हाफ चम्मच, ये भी इसके अंदर हम डाल देंगे, और थोड़ा सा इसको हम सोटे कर लेंगे यानी इसको फ्राई कर लेंगे। तकरीबन ये 4 अदद रेड मिर्च चिली है, तो मैंने इनको हाथों से ही इस तरह क्रश कर लिया। तो ये भी इसके अंदर हमने डाल दी है, तो इसको भी अब थोड़ा सा बस हम इसको भून लेंगे और फिर हम इसको उतार लेंगे। अब हम इसको उतार लेंगे। आलू को अच्छे से हम हाथ से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद इसमें तकरीबन हाफ जो चम्मच है मैंने सूखा धनिया ऐड कर दिया है, हाफ चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक, और जो हमने वो पेस्ट बनाया था इसके लिए वो इसमें हम ऐड कर देंगे ठंडा कर। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे, और फिर मिक्स करने के बाद हम इसके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने 2 चम्मच चाट मसाले के ऐड कर दिए, नमक मुझे कुछ कम लग रहा था मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करेंगे। देखिए इस तरह आपने बॉल बनाने। तो इसके बाद मैंने ये 2 कप बेसन लिया, इसको अच्छे से छान लिया, इसमें भी हाफ चम्मच हम हल्दी डाल देंगे और हाफ चम्मच नमक, हाफ चम्मच अजवाइन इसके अंदर ऐड करेंगे, और थोड़ी सी हम ये है रेड चिली वो ही इसमें डाल देंगे पीसी हुई। फिर इसको पानी से हम मिक्स कर लेंगे, और हाफ चम्मच जो है मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है। थोड़ा थोड़ा आपने पानी डाल के फिर आपको ने इसको मिक्स करना है, एकदम आपने इसको मिक्स नहीं करना पानी डाल के, नहीं तो ये बैटर जो हमारा पतला हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। स्मूथ सा हम इसका पेस्ट बना लेंगे। ये हाफ चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट है ये भी हम इसमें डाल देंगे, हाफ चम्मच ये गरम ऑयल है ये भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इससे ज़रा क्रिस्पी से हमारे जो पोटैटो बॉल्स हैं तैयार होंगे। इससे चलें जी अच्छे से मिक्स हो गया। इस तरह का आपने ये बैटर तैयार करना है, ये देखिए ना ही ज़्यादा पतला हो ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। तो अब हम इसमें ये जो है अपने बॉल्स इसमें हम डिप करेंगे और फ्राई कर लेंगे। मैंने ये फ्राई पैन में ऑयल पहले से ही ये गरम करके रखा हुआ है, तो इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए पोटैटो बॉल्स, पहले आपने चेक कर लेना कि अच्छे से गरम होगा तो फिर आपने इसमें डालने, नहीं तो ये आपके जो पोटैटो बॉल्स हैं नीचे भी लग सकते हैं। तो ये देखिए आपके सामने है कितने मज़े के लग रहे हैं, हमारे बॉल बन के तैयार हो गए। इसी तरह ही हम अपने सारे जो बॉल्स हमने बनाए हैं वो हम तैयार कर लेंगे। इसके लिए अब चटनी हम तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने धनिया पुदीना 1 सब्ज़ मिर्च और लहसुन अदरक का हाफ चम्मच पेस्ट और 1 कटोरी जो मैंने इसमें दही का ऐड कर दी। तो अच्छे से हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। चलें जी हमारी ग्रीन चटनी तैयार हो गई है, हमारे बॉल्स भी तैयार हो गए हैं, पोटैटो बॉल्स बहुत मज़े के बन के तैयार हुए। तो ये देखें इसके आपके सामने फाइनल लुक, अंदर से भी देखें ये कितने पके हुए हैं, बहुत क्रिस्पी हमारे जो पोटैटो बॉल बन के तैयार हुए हैं। तो व्यूवर्स अगर आपको ये तरीका पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने प्यारों के साथ।
अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।